उत्तराखंड के सियासत में इन दिनों 5 प्रमुख मुद्दे खूब गर्मा रहे हैं। इनमें नियुक्तियों की धांधली और बैकडोर एंट्री को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व विधानसभा की भर्तियों पर जांच का सिकंजा कस चुका है। महिलाओं और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर सियासी जोर अजमाइश भी तेज है। तो वहीं भू कानून समिति की सिफारिशों पर छिड़े संग्राम ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिफारिशों को एक मजबूत भू कानून की दिशा में अनूठी पहल बता रहे हैं। तो वहीं विपक्ष इसे सिरे से खारिज करते हुए पिछले 5 साल में बांटी गई भूमि का हिसाब मांग रहे हैं। तो वहीं विपक्ष के सीबीआई जांच की मांग के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक मामले की जांच में एसटीएफ पूरी तरह से सिकंजा कस चुका है। अब तक 34 आरोपियों को जेल की हवा खिला दी गई है। सीबीआई जांच के सवाल पर सीएम का कहना है कि अभी एसटीएफ की जांच सही दिशा में है। तो वहीं साल 2012-17 और साल 2017-2022 के बीच विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती की जांच शुरू हो चुकी है। सबकी निगाहें जांच समिति पर लगी है। जांच की आंच में से कौन कितना तपता है। कटघरे में सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस सरकारों के स्पीकर के फैसले हैं। तीसरे दिन समिति ने विधानसभा के अधिकारियों की पेशी लगाई और पूछताछ की।